भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब के जन्मदिन के सुनहरे अवसर पर गुजरात के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रद्युमन राजा जी के मार्गदर्शन अनुसार आज अनुसूचित जाति के विस्तार में आंगनवाड़ी में जाकर सभी बच्चों को खजूर और नारियल चना धानी रंग पिचकारी देकर उनको भी रंग लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया था और विनोद सोलंकी जी ने इन गरीब बच्चों को गोद लिया है। गुजरात प्रदेश के नवसारी के लोकप्रिय सांसद और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब के जन्मदिन के इस सुनहरे अवसर पर आज हमने गरीब बस्ती में आंगनवाड़ी में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया और सभी बच्चों को वडोदरा शहर प्रभारी विनोद सोलंकी जी ने गोद लिया है। उन्हें कपड़े, उनका पढ़ना, उनकी दवाई सब जिम्मेदारी विनोद सोलंकी जी ने ली है। इस सुनहरे अवसर पर आंगनवाड़ी की कीर्ति बहन शाह, सरोज बहन, जयेश भाई वसावा, मफत भाई वसावा के साथ अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रद्युमन भाजा जी ने पूरे गुजरात में सभी जिले में अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और प्रभारी जी को सूचना देकर हमारी यशस्वी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्म देसा ही मनाए जैसा मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। देखते रहिए BHP न्यूज चैनल।